हेलो एवरीवन, द बेकिंग स्टूडियो बाय सोनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आइसक्रीम की रेसिपी लेकर के आई हूँ। बहुत ही डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम एंड चॉकलेट आइसक्रीम, बहुत ही डिलीशियस है। चॉकलेट आइसक्रीम तो ऐसे भी बच्चों का फेवरेट है, और आम का सीजन है, गर्मियाँ चल रही है, तो मैंगो आइसक्रीम तो बनता है ना। तो आइए देखते हैं कि हम इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। इस डिलीशियस आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हम आइसक्रीम बेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे नॉन डायरी व्हिपिंग क्रीम लिया है, जिससे हम केक बनाते हैं। ये मैंने 200 ml लिया है। 100 ml मैं यहाँ पे मिल्क मेड यूज़ कर रही हूँ, और जस्ट उसका हाफ मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ करूँगी अमूल का। इससे और भी ज़्यादा क्रीमी हमारा आइसक्रीम बन करके रेडी होगा। 50 ml मैंने यहाँ पर अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। अनुपात ये रखना है कि 1 कप अगर हमारा क्रीम है तो उसका हाफ हमें मिल्क मेड और उससे भी हाफ हमें अमूल का फ्रेश क्रीम लेना है। अब हम अपने व्हिप क्रीम को व्हिप करेंगे। इसके लिए हमें चिल्ड व्हिप क्रीम यूज़ करना है। रेफ्रिजरेटर से हमें इसे अप्रॉक्स 1 आवर पहले बाहर निकाल लेना है। फ्रीजर में हम ऑलवेज स्टोर करते हैं इसे, और उसे जब हमें व्हिप करना होता है तो 1 घंटे पहले हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और चिल्ड व्हिप क्रीम को हम इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से फेंट लेते हैं, जिससे कि हमारा एक बहुत ही अच्छा सा व्हिप क्रीम बन करके रेडी हो जाता है। हमें इसे केक की तरह बीट नहीं करना है, हमें इसे सॉफ्टली ही बीट करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड पिक हमें नहीं चाहिए, बस ये सॉफ्टली हमारा बीट हो जाए, हमें इतना ही चाहिए। और इसी स्टेज पे 2-3 मिनट व्हिप क्रीम को व्हिप करने के बाद ही हम इसमें फ्रेश क्रीम मिक्स कर देंगे, और साथ ही साथ हम अपना इसमें मिल्क मेड भी ऐड कर देंगे। इन दोनों को भी हमें इसमें अच्छे से फेंटते हुए मिक्स कर लेना है। इन दोनों को डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक बीट नहीं करना है, बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए, हमें इतना ही इसे बीट करना है। अच्छे से हमारा क्रीम मिक्स हो गया है, और ये हमारा आइसक्रीम का बेस पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब क्योंकि हम आज 2 फ्लेवर का अपना आइसक्रीम बना रहे हैं, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आप चाहे तो इससे एक ही फ्लेवर का भी आइसक्रीम बना सकते हैं, और उसी अमाउंट में आप बाकी के मिक्सचर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 फ्लेवर बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और अब मैं मैंगो आइसक्रीम बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से पके हुए कुछ मैंगो यूज़ करूँगी। अप्रॉक्स 2 मैंगो या 3 मैंगो अगर आपके छोटे साइज़ के मैंगो हैं तो हमारे इस आइसक्रीम में लग जाएंगे। अप्रॉक्स 1/2 कप जितना मैं यहाँ पर मैंगो पल्प बना लिया है। 1 आम का मैंने यहाँ पर पल्प बना लिया है, और 1 आम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ले लिया है। थोड़ा सा मैं येलो फूड कलर भी इसमें मिक्स कर रही हूँ, जिससे बहुत ही प्यारा सा कलर हमारे आइसक्रीम में ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हम पल्प को, जो हमने घर में ही बनाया है, उसे हम इस क्रीम में मिक्स कर लेंगे, और इसे भी हम अच्छे से बीट करते हुए मिक्स कर लेंगे। ये आइसक्रीम बहुत ही डिलीशियस होता है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका मैंगो थोड़ा कम मीठा है, तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क मेड और ऐड कर सकते हैं। मेरा आम बहुत ही अच्छा और मीठा था, इसलिए मैं इसमें और मिल्क मेड नहीं ऐड कर रही हूँ, और 2 ड्रॉप जितना मैं इसी स्टेज पे इसमें कलर भी मिक्स कर दे रही हूँ, जिससे जो हमारा आइसक्रीम है वो बिल्कुल मार्केट की तरह मैंगो आइसक्रीम हमारा बन करके रेडी होगा। और साथ ही साथ मैंने जो छोटे छोटे टुकड़ों में आम को कट करके रखा था, वो भी मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा क्रंच हमारे आइसक्रीम में ऐड हो जाएगा। अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर फ्रीजर में स्टोर करेंगे। इसे हमें 2 से 3 घंटे तक पहले फ्रीज़र में स्टोर करना है, और उसके बाद हमें इसे एक बार बाहर निकाल करके मिक्स कर लेना है। अब हम चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी देखेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे कोकोआ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और थोड़े से चॉको चिप्स यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना हर्षी सिरप डालूँगी, जिससे हमारा चॉकलेट आइसक्रीम और भी डिलीशियस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून जितना कोकोआ पाउडर एक बार में अपने क्रीम में ऐड करेंगे, और इसे मिक्स करेंगे। इससे चॉकलेट का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हमारे आइसक्रीम में ऐड हो जाएगा, और उतना ही अप्रॉक्स 2 टेबलस्पून जितना हम हर्षी सिरप भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका आइसक्रीम बन करके कैसा रेडी हुआ है। मुझे अभी इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है, और मुझे थोड़ा डार्क चॉकलेट पसंद है, इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून जितना कोकोआ पाउडर और मिक्स कर रही हूँ। ये पूरी तरह से आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितना
डार्क या लाइट चॉकलेट पसंद करते हैं। ये हमारा मिक्सचर पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम अप्रॉक्स 2 टेबल स्पून जितना चोको चिप्स इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम एक एयर टाइट कंटेनर में डाल करके फ्रीजर में स्टोर करेंगे। आइसक्रीम बनाते समय हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आइसक्रीम को पहले 2 से 3 घंटे तक फ्रीज़र में जमा लें और फिर उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। उससे होता यह है कि जो भी क्रंच हम आइसक्रीम में ऐड करते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, नीचे की ओर सिंक नहीं हुआ रहता है और उसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो हम इसे पहले 2 से 3 घंटे तक फ्रीज़र में जमाएंगे और फिर इसे एक बार निकाल करके मिक्स करेंगे। अप्रॉक्स 3 घंटा हो गया है और ये हमारा आइसक्रीम थोड़ा थोड़ा जमने लगा है, पूरी तरह से ये अभी सेट नहीं हुआ है। हमें इसी स्टेज पे इसे एक बार मिक्स कर लेना है। इससे जो भी मैंने इसमें चोको चिप्स वगैरह मिक्स किया था वो अच्छे से चारों ओर सर्कुलेट हो जाएगा और जब हम इसे खाएंगे तो आइस क्रिस्टल भी नहीं मिलेगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि जो मैंने मैंगो के पीसेस इसमें ऐड किए हैं वो हर तरफ से सर्कुलेट हो जाए। अब इसे हम फिर से ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में डाल देंगे जिससे ये अच्छे से आइसक्रीम बन करके रेडी हो जाएगा। मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था और ये हमारा आइसक्रीम पूरी तरह से रेडी हो गया है। बहुत ही डिलीशियस ये हमारा आइसक्रीम बन करके रेडी हुआ है। अब मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। पहले मैं मैंगो आइसक्रीम सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये हमारा मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट की तरह बन करके रेडी हुआ है और बिलीव मी ये बहुत ही डिलीशियस बना है। मैंगो आइसक्रीम को मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े मैंगो के साथ सर्व करूंगी और ये बहुत ही प्रेजेंटेबल भी है और डिलीशियस भी। इसी तरह से अब मैं चॉकलेट आइसक्रीम भी सर्व करूंगी। चॉकलेट को मैं अच्छे से स्कूप कर लूंगी, थोड़े से चॉकलेट सॉस को ड्रिजल करके और चोको चिप्स को ड्रिजल करके मैं इसे सर्व करूंगी। तो ये दोनों ही आइसक्रीम हमारे रेडी हो गए हैं। तो रेडी है ये हमारा डिलीशियस आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम एंड चॉकलेट आइसक्रीम, दोनों ही बहुत डिलीशियस बना है और ज़रूर से ट्राई कीजिए इसे और ढेर सारी मेरी रेसिपीज़ को यूँ ही देखते रहिए। और अभी मैं समर स्पेशल और भी बहुत सारे ढेर सारी रेसिपीज़ लेकर के आने वाली हूँ, तो यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहिए, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।